आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, आजाद कश्मीर में माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। दरियाओं में कचरे और बगैर ट्रीटमेंट सीवरेज का पानी जाने की वजह से मीठा पानी आलूदा होने के साथ साथ आबी हयात भी मुतासर हो रही है। तकीउल हसन की रिपोर्ट देखिए। दारुलकूमत मुजफ्फराबाद में इदारा तहफ़ुज़े माहौलियात और ज़िली इंतजामिया की नाक तले शहरी इलाकों का कचरा और फुजला मिला गंदे नालों का पानी खुले आम दरियाओं में गिराया जाता है। शहर का सेवरेज मिला गंदा पानी दरियाओं में गिरने की वजह से दरियाई पानी आलूदा होने के साथ साथ नायाब मछलियाँ और दीगर आबी हयात भी खत्म हो रही है। मलबा दरियाओं में फेंका गया और उसके बाद से अब तक जो है ना आबी आलूदगी बहुत ज्यादा हो चुकी है और आबी आलूदगी की वजह से शहरी जो है मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार है। यही पानी ट्रीटमेंट के बगैर हम इस्तेमाल करते हैं और हम इससे गुसल करते हैं जिसकी वजह से हमारी जिल्द खराब होती है। शहरियों का कहना है कि इदारा तहफ़ुज़े माहौलियात और इंतजामी इदारे माहौल दोस्त कवानीन पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो चुके हैं। ज़िली इंतजामिया को टस से मस नहीं है। यहाँ पर आबी हयात के साथ साथ यहाँ पे जो रहने वाले लोग यहाँ आस पास देखे यहाँ पर कितनी बदबू है की सांस भी लेना मुहाल है। इलाके में बढ़ती आलूगी और सेवरेज मिले पानी की वजह से इन दरियाओं में झाग उड़ाता और शोर मचाता पानी गंदा हो रहा है। वही इनकी कुदरती खूबसूरती भी मांग पड़ रही है। माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद से इलाके में आलूगी पर काबू पाने के साथ साथ आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन बनाया जा सकता है। कैमरामैन MD मुगल के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।